बॉलीवुड के सुपरस्टार दीपिका पादुकोण की रिसेंटली एक मेजर थ्रोबैक पिक सामने आई है, जिसे देखने के बाद फैंस ने काफ़ी तरह तरह के रिएक्शन दिए हैं। जिसे देखने के बाद और जानने के बाद और इस एक्टर के साथ उनके फोटो देखने के बाद फैंस ने तरह तरह के बातें भी बनाए हैं और फैंस काफ़ी खुश भी हैं इस बात के कि ये इतने बड़े सुपरस्टार्स आखिरकार पहले अपने इनिशियल डेज में भी साथ नजर आए थे। आखिर कौन सा वो मेजर थ्रोबैक पिक है और किस एक्टर के साथ हमारी बॉलीवुड की सुपरस्टार दीपिका पादुकोण ने खिंचवाई थी फोटो और किस पर्पज से खिंचवाई थी, आइए आपको बताते हैं इसकी पूरी डिटेल्स। सो हेलो एंड वेलकम टू फिफा फूस, मैं हूँ आपकी दोस्त और इस शो की होस्ट दीप्ति बिस्वा। अब मुझे आपको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि रिसेंटली, मैं कह सकती हूँ रिसेंटली, दीपिका पादुकोण एक इवेंट में गई थी और उस इवेंट में उन्होंने जिस एक्टर के साथ फोटो खिंचवाई, जिस एक्टर के साथ उनका फोटो सामने आया है, वो फोटो आने के बाद से ही फैंस लोगों को लगा था कि ये पहला फोटो होगा जहाँ पे बॉलीवुड और इस एक्टर का आमना सामना हुआ है, लोगों ने मिले हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि कुछ साल पहले भी ये लोग आपस में मिल चुके थे, इनफैक्ट इनके इनिशियल डेज में भी ये लोग साथ थे। जी हाँ, मैं आपको बता दूँ, दीपिका पादुकोण को हाल ही में एक रिसेंटली एक ऑस्कर फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में इनवाइट किया गया था, जहाँ पे दीपिका ने बड़े मंच पे हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। इंडिया में जिस सॉन्ग को लेके नॉमिनीज में आए थे हमारे जो सॉन्ग नाटू नाटू, उस सॉन्ग को रिप्रेजेंट करी थी दीपिका पादुकोण ऑस्कर फिल्म फेस्टिवल के दौरान, ठीक है। और इस दौरान उन्होंने रामचरण के साथ भी फोटो क्लिक करवाई थी और रामचरण और दीपिका पादुकोण का जो सेक्सीस्ट फोटो सामने आया था उसके देखने के बाद कहीं कहीं फैंस को ये लगा कि अरे वाह, हमारी बॉलीवुड और हॉलीवुड टॉलीवुड का सब चीज़ सामने आ रहा है, फोटो सामने आ रहे हैं, लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। एंड और बॉलीवुड के सुपरस्टार दीपिका पादुकोण वहाँ पे टॉलीवुड की सॉन्ग जो नॉमिनेट हुआ, ऑस्कर में नॉमिनेट होना ही बहुत बड़ी बात है, वो खुद ही अपने आप में एक अचीवमेंट होता है। उस सॉन्ग को ऑस्कर मिलना, ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित करना बहुत बड़ी बात होता है। वहाँ पे दीपिका ने ये नाटू नाटू सॉन्ग को रिप्रेजेंट किया था और इस दौरान मैं आपको बता दूँ कि दीपिका का एक फोटो सामने आ रहा है जहाँ पे ये पता चल रहा है कि दीपिका और रामचरण बहुत साल पहले पेप्सी के एडवर्टीजमेंट भी साथ में आ चुके हैं। जी हाँ, वहाँ पे एक छोटा सा आप कह सकते 8 to 10 seconds का एक डांस का मूव आता है जहाँ पे पेप्सी का एडवर्टीजमेंट होता है और उस पेप्सी के बोतल को, जो कि कांच के बोतल में आता था, उस पेप्सी के बोतल को दोनों ही अपने हाथ में लेके ब्रांड प्रमोशन किए थे, एडवर्टीजमेंट किए थे। और ये फोटो के सामने आने के बाद से दोनों का लुक काफ़ी चेंज है, दोनों के लुक में काफ़ी डिफरेंसेस है। जाहिर सी बात है, 8-10 साल पहले की फोटो है तो डेफिनेटली डिफरेंसेस तो रहेंगे। दोनों काफ़ी अभी भी यंग है, बट दोनों काफ़ी वो टाइम पे बहुत ज़्यादा यंग भी दिख रहे हैं। और कहते हैं यंग एज में इनिशियल स्टेज में अपनी लाइफ का शुरुआत करना, और उस दौरान जो फ्रेंड हमारे उस टाइम पर साथ थे और आज भी वो फ्रेंड साथ में हैं, तो कह सकते दीपिका और रामचरण के लिए ये एक मेजर आप कह सकते मेमोरीज का भी रिकॉल होगा, जहाँ पर उन्होंने ये इमेजिन भी कर लिया होगा कि एक टाइम था कि हम लोग ऐसे एडवर्टीजमेंट कर रहे थे और आज हम लोग इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे साथ में नज़र आ रहे हैं, तुम हमारे ये सॉन्ग को अनाउंस कर रहे हो और हम इस अवार्ड्स को लेने के लिए जा रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ा आप कह सकते हो कि एक पारिवारिक माहौल टाइप बन गया था और बहुत ज़्यादा खुश हुए रहेंगे दीपिका और रामचरण के फैंस ये पोस्ट देखने के बाद, वो काफ़ी खुश हैं और बहुत लोगों ने इस पर रिएक्शन दिया। फिलहाल मैं आपको बता दूँ, और खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए फिफा फूस।